नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। सूर्यवंशी फिल्म को लेकर मैंने लाइफ टाइम कितना कमाएगी ये फिल्म, इसका एक स्पेशल पोल रखा था। तो इसमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये है पोल के रिजल्ट्स। और कल ही मैंने पोल रखा था और इस पोल के हिसाब से एक चीज तो साफ हो चुकी है कि ये पोल में जो 4,400 लोगों ने वोट किया है ये और बढ़ेगा। और ज्यादातर जो वोट है वो 210 करोड़ के कलेक्शंस को दिए जा रहे हैं, यानी कि सबको ऐसा लगता है जैसे गोलमाल फाइव ने 205 206 करोड़ कमाई की थी रोहित शेट्टी की फिल्म, वैसे ये फिल्म का कलेक्शंस भी यहाँ तक जाएगा। और बाकी जो सेकंड हाईएस्ट ऑप्शन है वो 20% के आसपास है, 150 करोड़ का। 7% लोग कह रहे हैं 170 करोड़, 5% लोग कह रहे हैं 190 करोड़। यानी कि इन शॉर्ट एवरीवन हैज ए स्ट्रॉन्ग लाइक होप कि ये फिल्म 200 करोड़ या 210 करोड़ कमाएगी कमाएगी। अब देखते हैं कुछ कमेंट्स भी आए हैं उनकी क्या राय है। रिंक कह रहे हैं कि इस साल की सबसे बड़ी मूवी बन गई, ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड 240 करोड़ वायरल, 300 करोड़ जाएगा वर्ल्ड वाइड, ओके। सुमन राज कह रहे हैं कि 210 करोड़, साहिल कह रहे हैं कि 200 करोड़ प्लस, सूर्या भाई कंफर्म, नीलांबर कह रहे हैं दिस वीक द मूवी विल अर्न गुड मनी, थैंक्स यू, 200 करोड़ प्लस होना ही चाहिए। और यहाँ पर देखिए प्रेडिक्ट करे फर्स्ट वीक कितना होगा, नवनीत शुक्रिया भाई 250 करोड़, प्रहलाद कह रहे हैं, अक्षय ने तारीफ की है सुदेश के 200 प्लस, अंगूठा लगवा लो मतलब 200 प्लस ही होगा, अंगूठा लगा दो इतना कॉन्फिडेंस सुदेश भाई, लाइफ टाइम 275 करोड़, संजू जी कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं 250 270 करोड़ वर्ल्ड वाइड, 430 करोड़ फोर, एंड अजय कह रहे हैं कि 240 से 250 करोड़, 380 करोड़ लाइफ टाइम 300 करोड़, आर एस गाइड कह रहे हैं, देन 250 करोड़, 240, 260 करोड़, 100 करोड़ कैपेसिटी होती तो 150 करोड़ हो गया होता अभी तक, अरहान कह रहे हैं कि संडे 165 करोड़। सो लॉट ऑफ पीपल हैव ए हाई होप एंड ज्यादातर लोगों में बहुत कॉन्फिडेंस से कि ये फिल्म 100 के ऊपर जाएगी, 175 हो सकता है, 190 भी हो सकता है। कैलाश इज वेरी सेंसिबली दैट ही इज टॉकिंग, भाई पोल से कुछ नहीं होगा, देखनी पड़ेगी थिएटर में जाएगा, ऑफकोर्स पब्लिक देख रही है, अमर भाई के 250 करोड़ एंड 206 से 256 ये अलग ही प्रेडिक्शन दे रहे हैं, नवनीत भाई बहुत बहुत शुक्रिया, 210 करोड़ भी ज्यादा रहेगा बेस्ट मूवी, ओके। बी बॉय कह रहे हैं 250 और 500 करोड़, 135 करोड़, मोस्ट मॉडर्न कैनेडियन एक्टर, ओके। मोहम्मद नजीर कह रहे हैं कि 70 फ्लॉप हो जाएगी, एवरेज होगी 170 करोड़ बजट, अच्छा ठीक है। 200 करोड़ कह रहे हैं संतु लता एंड मयूर कह 250 300 करोड़, 300 करोड़। सो पीपल हैव अ हाई होप फॉर दिस फिल्म। ये प्री कोविड टाइम के कलेक्शंस की ज्यादातर लोग बात करें कि ये प्री कोविड टाइम में कलेक्शंस होता ही दोस्तों, लेकिन फिलहाल ज्यादातर लोग का जो राय मैं देख रहा हूँ वो 200 करोड़ के ऊपर ही दिख रही है, 200 से 210 करोड़ का अगर एक रेंज पकड़ा जाए तो उस हिसाब से ज्यादातर लोगों ने इस फिल्म के बारे में राय रखी है। सो अभी भी हाई होप्स है कि ये फिल्म 200 करोड़ के पार जाएगी। ये तो पब्लिक की ओपिनियन आपने जान ही ली है, ज्यादातर पब्लिक चाह रही है कि ये फिल्म 200 करोड़ पक्का जाए और ये जाएगी ही, 68% लोग कह रहे हैं ऐसा। दोस्तों आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से जरूर बताइएगा और मैं भी बहुत जल्द लाइफ टाइम प्रेडिक्शंस बनाऊंगा काफी डिटेल में और आप तो आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल आपका रिस्पॉन्स देने के लिए, वोटिंग करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।